सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता सैनी संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संस्कृत के पाठ 4 विद्यालय का अध्ययन करेंगे। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्रः, शिक्षकः, शिक्षिकः च सन्ति। अत्र यहाँ, छात्रा विद्यार्थी, शिक्षिका अध्यापक, शिक्षिकः अध्यापिकाएं, च और सन्ति हैं। यहाँ छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक यंत्र कंप्यूटर, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, जिसे आप लैब बोलते हैं। इतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये कंप्यूटर हैं। सन्ति हैं यानी बहुत सारे हैं। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ये सब कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् यह अस्माकं हमारा विद्यालयस्य विद्यालय का उद्यानम् बगीचा अस्ति है। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने बगीचे में पुष्पाणि बहुत से फूल सन्ति हैं। बगीचे में बहुत से फूल हैं। वयम हम अत्र यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, च और हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। बगीचे में फूल हैं। हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। ऋचा तब तुम्हारा नाम किम क्या। ऋचा तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः मम नाम प्रणवः, मम मेरा नाम प्रणव है। तब तुम्हारा नाम किम, तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, कुत्र कहाँ, पठसि पढ़ती हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव अहम अत्र एव पठामि, अहम मैं अत्र यहाँ एव ही पठामि पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ या यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा अहम मैं अपि भी अत्र यहाँ एव ही पठामि पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम इस प्रकार आवाम हम दोनों मित्रे मित्र स्वह हैं, इस प्रकार हम दोनों मित्र हैं। इसका हिंदी अर्थ एक बार और देखते हैं। ऋचा तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, इस प्रकार हम दोनों मित्र हैं। शिक्षिका अध्यापिका, छात्रः छात्राओं, यूयम किम कुरत, तुम सब क्या करती हो। छात्रा छात्राएं, आचार्य वयम गच्छामः, अध्यापिका जी हम जाती हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाती हो। छात्रः वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार, सभागार मतलब जो आपका ऑडिटोरियम होता है उसको बोलते हैं, हम सब सभागार जाती हैं। शिक्षिका अध्यापिका युष्माकम तुम्हारी पुस्तकानी पुस्तकें कुत्र कहाँ सन्ति हैं। अध्यापिका तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रः छात्राएं अस्माकम पुस्तकानी अत्र अस्ति। अस्माकम हमारी पुस्तकानी पुस्तकें अत्र यहाँ सन्ति हैं। हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। इसका हिंदी अर्थ एक बार और देखते हैं। अध्यापिका छात्रों तुम सब क्या करती हो, या छात्राएं
इसको हम छात्राएं भी कह सकते हैं और छात्र भी बोल सकते हैं। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि ये लड़कियों का चित्र बना है तो इसलिए मैंने लड़कियों के अकॉर्डिंग इसको बोल दिया है। छात्रा, आचार्य हम सब जाती हैं, मतलब छात्रा छात्राएं हम सब, आचार्य से कहते हैं आचार्य जी हम सब जाती हैं। अध्यापिका, तुम सब कहाँ जाती हो। छात्राएं, हम सब सभागार जाती हैं। अध्यापिका, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राएं, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। शिक्षक, अध्यापक, छात्राओं दो छात्र। युवाम किम कुरतः, तुम दोनों क्या करते हो। छात्राओं दो छात्र। आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षक, शोभनम अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखतः लिखते हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रों दो छात्र। आवाम लिखावः, हम दोनों लिखते हैं। पठावः पढ़ते हैं। गायावः गाते हैं। चित्राणि अपि रचावः, और चित्राणि चित्र अपि भी रचावः रचते हैं। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक, अध्यापक, बहु शोभनम, बहुत अच्छा। एक बार और इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अध्यापक, छात्रों दो छात्रों से, तुम दोनों क्या करते हो। दो छात्र, आचार्य हम दोनों श्लोक गाते हैं। अध्यापक, अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। दो छात्र, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। अध्यापक, बहुत अच्छा। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अस्माकम, हमारा। कुत्र, कहाँ। तव, तेरा। मम, मेरा। अपि, भी। एव, ही। एव, ही। इदानीं, इस समय या इस प्रकार। युष्माकम, तुम्हारा। शोभनम, अच्छा। संगणक यंत्राणी, अनेक कंप्यूटर। एक्सरसाइज टू, उचित क्रिया द्वारा रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। अहम डैश पठामी या पठसी, क्योंकि ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का एक वचन यानी पठामी। अहम पठामी। आवाम हम दोनों डैश गच्छावे या गच्छामः, क्योंकि ये द्विवचन है तो यहाँ आएगा गच्छावः, आवाम गच्छावः। त्वम डैश पठामी या पठसी, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है इसलिए पठसी, त्वम पठसी यानी तू पढ़ता है। वयम बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। धावामी धावामः, क्योंकि ये उत्तम पुरुष बहुवचन है तो वयम धावामः यानी हम सब दौड़ते हैं। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। त्वम पठसी, तू पढ़ता है। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। निर्देशानुसार वचन बदलिए, यानी इसमें आपको जो वचन दे रखे हैं ब्रैकेट में उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करना है। अहम नृत्यामि, इसको आपको बहुवचन बनाना है तो होगा वयम नृत्यामः, क्योंकि अहम एक वचन है तो अहम का बहुवचन होगा वयम, वयम नृत्यामः। आवाम गच्छावः, इसको आपको एक वचन में बनाना है तो आवाम का एक वचन होगा अहम यानी उत्तम पुरुष, और गच्छावः इसको भी आपको एक वचन में बनाना है तो ये हुआ गच्छामि, अहम गच्छामि। त्वम पठसी, इसको द्विवचन में बनाना है, त्वम पठसी मध्यम पुरुष एक वचन, और हमको यहाँ क्या करना है द्विवचन में बनाना है तो त्वम युवाम
पटसी पटतः, ये चेंज करना है, युवाम पटतः यानी तुम दोनों पढ़ते हो। त्वम क्रीडसी, इसको आपको बहुवचन में बनाना है, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन है। त्वम की जगह लिखेंगे यूयम, क्रीडसी क्रीडत यानी यूयम क्रीडत, क्रीडत यानी तुम सब खेलते हो। वयम नृत्यामः आवाम गच्छावः, इसका बहुवचन है ये, क्योंकि ये तो बहुवचन है तो इसका एक वचन होगा अहम गच्छामि। त्वं पठसि, इसका द्विवचन होगा युवां पठतः। त्वं क्रीडसि, इसका बहुवचन होगा यूयं क्रीडत।